गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागॉजी और ज्योग्राफी। आज हम अध्ययन करेंगे भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में सुधार। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, उनकी टाइपिंग कैसी होनी चाहिए, उनका ऊपर का कवर कैसा होना चाहिए, उसकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, उनमें उस पुस्तक में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो छात्रों के स्तर अनुसार हो, दिखने में सुंदर हो, रुचिकर हो, इस प्रकार से हम सुधार पाठ्य पुस्तक में कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, पहला है विशेष उपलब्धि। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे अध्यापक हैं जो ऐसा कोई अध्यापक हो जिसके पास विशेष उपलब्धि प्राप्त कर चुका हो, उन्हें ही पाठ्य पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक पाठ्य पुस्तक लिखने वाला उस पर डिग्री नहीं है, उसके पास कोई योग्यता नहीं है, उसको किसी विषय का ज्ञान नहीं है, तो वह पाठ्य पुस्तक नहीं लिख सकता है। हमें ऐसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जिसे संपूर्ण ज्ञान हो, उसके पास डिग्री भी हो और उसमें उसको अपने जो विषय है का ज्ञाता होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में इस तरह अनुकूल। अब हम देखते हैं कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक में इस तरह अनुसार क्या होना चाहिए, मानना चाहिए। रेखा चित्र, चार ग्राफ, डायग्राम आदि का समावेश पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर प्राथमिक स्तर की जो बच्चे होते हैं तो वह चित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें अधिक रुचिकर लगता है। जैसे हमने देखा है छोटे बालक जब पढ़ते हैं तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल बना हुआ होता है और बी फॉर बॉल बनी हुई होती है। जिनको बच्चों को इन शब्दों का ज्ञान नहीं होता परंतु वह इस चित्र को देखकर पहचान जाते हैं कि एप्पल होता है और बी फॉर बॉल होता है। तो अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पे जो बालक है उनकी पाठ्य पुस्तक में डायग्राम, रेखा चित्र, मानचित्र बने हुए होने चाहिए जिससे बालक उसका अध्ययन कर सके। फिर नेक्स्ट है नवीन देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक में जो नवीन आंकड़े होते हैं तो उनका ज्ञान का समावेश होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत हम नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो नई नई जो चीज़ें जो पाठ्य पुस्तक में ऐड हो रही है हर साल, वह उसके अंतर्गत होनी चाहिए जिससे छात्रों को नवीन ज्ञान, पुराना ज्ञान नहीं, नवीन ज्ञान हम छात्रों को दे सकते। फिर नेक्स्ट है टाइपिंग मुद्रण। इसके साथ साथ हम देखते हैं तो टाइपिंग और मुद्रण मुद्रण संबंधी जो चीजें हैं, गलती है उससे बचने के लिए अनुभवी और योग्य जो प्रकाशक है उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पुस्तक में टाइपिंग गलत हो जाती है, लिखावट गलत होती है, परंतु अगर हम उससे बचना चाहते हैं
तो हमें एक अच्छी योग्य एक को भी इसके लिए पाठ्य पुस्तक के लिए देना चाहिए, जिससे उस मिटाई की मुद्रण अच्छी हो सके। फिर नेक्स्ट है स्थानीय परिवेश। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो भूगोल पाठ्य पुस्तक का संबंध किससे होना चाहिए? स्थानीय परिवेश से, क्योंकि हम देखते हैं कि भूगोल में अगर हम बच्चों को स्थानीय परिवेश का ज्ञान देते हैं तभी बच्चे आगे पढ़ सकते हैं। अगर हम बच्चों को हमारी दैनिक चीजें हैं उनके बारे में जानते देते हुए अगर हम टॉपिक और ले जाते हैं तो छात्रों को पढ़ने में क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है विभिन्न उद्देश्य ज्ञानात्मक विकास कौशल ज्ञान उपयोगी की पूर्ति करने वाले होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं तो विभिन्न पाठ्य पुस्तक भूगोल शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न जो उद्देश्य चलते हैं ज्ञानात्मक विकास कौशल ज्ञान उपयोगी की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए, जिसमें हम बालकों को ज्ञान दे सके अच्छे कौशलों को सिखा सके ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। फिर है भाई स्वरूप अनुसार। अब देखिए तो पुस्तक का जो भाव स्वरूप है वह भी इस तरह अनुसार होना चाहिए, उसकी जिद अच्छी होनी चाहिए, उसके अक्षर सही आकार में लिखे होने चाहिए, जो तभी बालकों को रुचि उत्पन्न कर सके कर सकते अन्यथा नहीं कर सकते। फिर है विषय सामग्री का संगठन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री का संगठन होना जरूरी है, जिसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर पर हम बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति करवा सके। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो शिक्षण तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, जिससे छात्रों को समय समय पर हम शिक्षण तकनीकों का ज्ञान भी छात्रों को प्रदान कर सकें। तो ये था पाठ्य पुस्तक भूगोल की पाठ्य पुस्तक में सुधार क्या क्या किए जाने चाहिए। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या सुधार किए जाए स्पष्ट कीजिए। भूगोल की पाठ्य पुस्तकों में क्या क्या सुधार किया जाए स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए, यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका
जानकारी भी शुभ रहेगा। धन्यवाद।